हेलो नमस्कार मित्र, ये आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर सहारनपुर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडोली पाठक दोनों के इंटर क्लास के बच्चों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं गार्जियन नए घर परिवार के आप स्वागत के योग्य हैं, क्योंकि आपने इन कठिन दिनों में महामारी में परिवार का सरकार का पूरा बड़े संयम के साथ साथ निभाया। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो इस ग्रुप में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारे माध्यम से रोजाना दिखाया जा रहा है कि आप इंटर क्लास इंग्लिश में पोइम को ले रहे हैं, पहली पोइम दूसरी पोइम पढ़ाई जा चुकी है जिसे आप देख सकते हैं। जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्हें हमारे इस चैनल के बारे में बताएं और अधिक से अधिक पसंद करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि आपके ज्ञान में अधिक बढ़ोतरी हो सके। ये तीसरी पोएम हमारी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और नाम है इसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। जॉन मिल्टन ने अपनी आधी जिंदगी आंखों से देखते हुए गुजार दी और आधी के बाद की जिंदगी उन्होंने नेत्रहीन, ज्योतिहीन और ब्लाइंडनेस आंखों से गुजारी। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था कि वे किस तरीके से अपनी इस बाकी बची हुई जिंदगी को सफर करें। तो आइए इस स्टैंजा वन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंतर्गत जॉन मिल्टन के विचारों को सुनते हैं। भी कहते हैं कि व्हेन आई कंसाइडर, जब भी मैं विचार करता हूं या सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मीन्स खर्च कर दिया, बिताए, मैंने अपने आधी जिंदगी के दिन कैसे बिताए और अगली आने वाली जिंदगी के दिन मैं कैसे बिताऊंगा, जब कभी मैं सोचता हूं, आई मीन्स मैं, यानी कि यहां पर जॉन मिल्टन, एर यानी पहले के, हाफ माई डेज, माई यानी मेरे, यानी जॉन मिल्टन कहते हैं कि मेरे पहले के आधे दिन यानी लगभग 50 साल तक की जिंदगी इन दिस डार्क वर्ल्ड, अपनी आधी से अधिक की उम्र पहले की मैंने लाइट में किस तरीके से खर्च कर दी पता ही नहीं चला, और अब आधी बची हुई जिंदगी को इस डार्क अंधेरे भरे हुए संसार में और बाइट दूर तक फैले संसार में, एक व्यापक संसार में, और इस अंधेरे से डूबे हुए संसार में, अंधेरे से डूबा हुआ संसार इसलिए कहा है क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब वो अफसोस करते हैं कि किस तरीके से वो इस आधी बची हुई उम्र को बिताएंगे। एंड दैट वन टैलेंट, तभी उनकी आत्मा अंदर से कहती है कि जॉन मिल्टन निराश मत हो, तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, आंखें ही तो चली गई हैं, कोई बात नहीं, एक टैलेंट है। कौन सा टैलेंट है? कविता करने का, ईश्वर की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, विच जो कि इज डेफ टू हेड, हेडमाइन छिपा रहेगा मौत तक। अगर तुम उस टैलेंट को, कविता करने के अपने उस गुण को दुनिया के सामने, समाज के सामने या इंग्लिश लिटरेचर के सामने लाओगे नहीं तो ये सब तुम्हारा बेकार हो जाएगा। लॉर्ड, लादे रहोगे विद मी यूजलेस, बिना प्रयोग के व्यर्थ में ही तुम इस वजन को, जो टैलेंट ईश्वर ने तुम्हें दिया है कविता करने का, अगर तुम दुनिया के सामने नहीं लाते हो, कविता करके सेवा नहीं करते हो, तो ये सारा का सारा वजन तुम पर लगा रहेगा, मृत्यु आने तक सब बेकार हो जाएगा। दाओ माय सॉल, फिर मेरी आत्मा कहती है, किससे कहती है? जॉन मिल्टन की आत्मा जॉन मिल्टन से ही कहती है। मोर पेंट, बड़ी दुखी हो जाती है। एक बार फिर से देखें, जब कभी जॉन मिल्टन विचार करते हैं कि उन्होंने अपने पहले की जिंदगी के आधे दिन नजर से देख देख कर गुजार दिए और बिना आंखों की ब्लाइंडनेस, जब आंखों की रोशनी चली गई, तभी इतने बड़े व्यापक दूर तक फैले हुए संसार को अंधेरे के रूप में कैसे देखेंगे। तभी उनकी आत्मा उन्हें झकझोरती है कि जॉन मिल्टन निराश मत हो, एक टैलेंट है तुम्हारे पास, अगर तुम उसे दुनिया के सामने नहीं लाओगे तो मौत तक वो तुम्हारे पास बगैर किसी यूज करे एक वजन की तरह लदा रहेगा। दाओ माई साउल मोर बैंड, और ये सोच सोच कर मेरी यानी जॉन मिल्टन की आत्मा दुखी हो जाती है। इसलिए जॉन मिल्टन, तुम निराश मत हो, टू सर्व देयर विद माई मेकर,
ये एम बड़े से है कैपिटल, मेकर बनाने वाला, वो खुदा वो ईश्वर जिसने तुम्हें जॉन मिल्टन बनाया है, उसकी सेवा में लग जाओ, क्योंकि एंड प्रेजेंट जब तुम उसके सामने मरने के बाद कायनात के दिन जिस दिन तुम्हें मौत प्राप्त होगी उस खुदा की या ईश्वर की अदालत में जब पेश होगे, तब माय ट्रू अकाउंट माय मैनी मेरा, ये आत्मा कहती है जॉन मिल्टन से कि मेरा सच्चा अकाउंट जिंदगी भर का पूरा लेखा जोखा जब तुम उस ईश्वर की अदालत में पेश किए जाओगे तो तुम्हारे सामने सारा लेखा जोखा तुम्हारे ही सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब क्या होगा, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तुम्हें फटकार मिलेगी और ईश्वर तुमसे जॉन मिल्टन सवाल करेगा। ये जॉन मिल्टन की आत्मा कहती है, क्या कहती है कि जब तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने इस संसार में आकर, ठीक है तुम्हारे पास आंखों की रोशनी नहीं थी लेकिन तुम्हारे अंदर एक टैलेंट तो था, उस टैलेंट का तुमने यूज क्यों नहीं किया, बहुत डांट पड़ेगी, हो सकता है तुम्हें फटकार दिया जाए। तो ऐसा जॉन मिल्टन ने इस पहले स्टैंजा में अपने उस जीवन के बारे में बड़े ही दुख के साथ वर्णन किया है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के आधे दिन इस बीते हुए संसार में, अंधेरे संसार में बिता दिए, लेकिन उनकी अपनी आत्मा अंदर से कहती है कि टैलेंट है इसे छिपा के मत रखो, अगर इस टैलेंट को तुम शो नहीं करोगे तो जिस दिन ईश्वर के पास पेश किए जाओगे तुम्हारी डांट पड़ेगी, तो तुमने संसार में जाकर क्या किया। दैट्स ऑल। तो पहले स्टैंजा में जैसा कि बताया था जॉन मिल्टन महोदय ने कि उनकी आत्मा कहती है कुछ करो, अब वो सोचते हैं करें क्या, ईश्वर की सेवा करें। तो इस दूसरे स्टैंजा में भी वो अपना हल्का सा दुख प्रकट करते हैं जॉन मिल्टन, इंटर क्लास इंग्लिश थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए सेकेंड स्टैंजा में कहा है कि डॉथ गॉड इज एट टू डे लेबर, दिन रात मेहनत करिए, ऐसा ईश्वर चाहता है। लाइट डिनाई, अगर आंखों की रोशनी ने तुमसे मना कर दिया है यानी आंखों की रोशनी तुम्हारी चली गई है जॉन मिल्टन, परेशान मत हो, दिन रात मेहनत करो। आई मानी मैं यानी जॉन मिल्टन, फॉन्डली, फॉन्ड मीन्स चाहना, फॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एप ओ यू एन डी, फॉन्ड मानी पाना प्राप्त करना, और यहां पर ये फॉन्डली है ये चाहना है, आस्क, मैं चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा मेरी, लेकिन आंखों की रोशनी तो मना कर रही है, मैं कैसे काम करूंगा। तभी उनका जो पेशेंस है, जो धैर्य है, जो कंसाइंस है, आवाज है आत्मा की, वो उन्हें रोकती है, सचेत करती है कि जॉन मिल्टन परेशान मत हो। दैट मर्मर, एक आवाज आती है, भनभनाहट की आवाज आती है, गुनगुनाहट की आवाज आती है, फुसफुसाहट की आवाज आती है, आत्मा कुछ कहना चाहती है जॉन मिल्टन से। सून रिप्लाई, जल्दी ही जवाब देती है कि जॉन मिल्टन ये क्या सोच रहे हो कि आंखें नहीं है फिर भी तुम कह रहे हो कि हाँ तुम सेवा करोगे ईश्वर की, कैसे कर पाओगे। गॉड डॉट नॉट नीड, नीड मानी आवश्यकता, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो केवल अपने बंदे को, अपने प्राणी को खुश देखना चाहता है। गॉड डॉट नॉट नीड, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, दो चीजें दी हैं, आइदर और आर, ना तो ये और ना ये, आइदर मैंस वर्क कि आदमी ईश्वर के लिए लगातार काम करता रहे, उसकी पूजा दिन रात करता रहे, ऐसा भी ईश्वर नहीं चाहता है, और दूसरा हिज ऑन गिफ्ट कि कोई उसके लिए उपहार दे, कीमती से कीमती, अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई अपने ईश्वर को खुश करने के लिए क्या करता है, गिफ्ट देता है, वो अपनी पसंद से गिफ्ट देता है। तो उसकी आत्मा जॉन मिल्टन महोदय की कहती है कि ना तो ईश्वर ये चाहता कि कोई दिन रात मेरी सेवा में, मेरे वर्क में जुड़ा रहे, पूजा करता रहे, अपनी ड्यूटीज छोड़ दे, और ना ही कोई मेरे लिए गिफ्ट दे, क्योंकि सारी चीजें हैं तो ईश्वर की ही, उसका उसको नहीं चाहिए, ये तो केवल हमारे मन का भ्रम है कि हम उसे अच्छे से अच्छा क्या भेंट कर दें। वो बेस्ट, तो उसे अच्छा क्या लगता है, बियर हिज माइल्ड योग, त्याग समर्पण की भावना, अगर तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित करना चाहते हो, यही उस ईश्वर को अच्छा लगता है। दे सर्व हिम बेस्ट,
दे मानी बे लोग, जॉन मिल्टन तुम्हारे जैसे बे लोग जिन्हें ईश्वर पसंद करता है, केवल एक ही चीज होती है सर्व हिम बेस्ट, जो अपने आप को कष्ट सहते हुए त्याग करते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरे के नाम कर देते हैं, ऐसे लोगों की सेवा को सबसे अच्छा हमारा ईश्वर मानता है। जॉन मिल्टन महोदय ने इस तीसरी पोएम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधे होने पर अपने मन की चिंताओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने धैर्य से और आत्मा की आवाज से कंपैरिजन किया है। वे कहते हैं कि दिन रात मेहनत करते रहो और ईश्वर की सेवा करते रहो, ऐसा नहीं है। उनकी आत्मा उनसे कहती है कि ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, गॉड डज नॉट नीड, न तुम्हारे द्वारा किया गया पूजा का कोई कार्य और न ही कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो तुमने गिफ्ट में दी है, केवल उसके लिए त्याग और समर्पण की भावना रखो, और उसके लिए नहीं, अपने बंधुओं के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सर्व हिम बेस्ट। ये एच बड़ा है इसमें, कैपिटल है, क्योंकि ये ईश्वर के लिए आया है। वह अपने लिए वही सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानता है जिसके अंदर त्याग और समर्पण की भावना बनी होती है। तो फिर जॉन मिल्टन करें क्या? तो फिर एक आत्मा की आवाज आती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हिज स्टेट, ये एस फिर कैपिटल है, हिज मनी उसके, परमपिता परमेश्वर परवरदिगार खुदा के यहां, हिज स्टेट उसके साम्राज्य में जहां वो रहता है, इज किंगली सब कुछ राजाओं जैसा है, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, स्पीड मनी तीव्रता से कहते ही इशारे के साथ बीडिंग तैयार रहते हैं, थाउजेंड्स सैकड़ों नहीं हजारों लोग देवदूत उसके साम्राज्य में, जो राजाओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है उसकी सेवा करने के लिए कि कब मुझे बुलाया जाएगा, तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट ओवर हमारी पृथ्वी जैसे कितने ही ग्रह हैं, वहां से भाग भाग कर काम करने को तैयार रहते हैं। एंड ऑकिंग विदाउट रेस्ट, बिना रुके कि कहने की देर है, हम तुरंत काम करेंगे। इन ग्रहों से, पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, उनसे भाग भाग कर समुद्र से पार, समुद्र पार करके वो तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे हाथ जोड़े निवेदन करके वो अपनी लाइन में खड़े रहते हैं और अपना वेट करते हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मेरी बारी आएगी। तो इस तरीके से ये तीन स्टैंजा, इस पोएम में केवल तीन स्टैंजा थे, जॉन मिल्टन महोदय ने इन तीन स्टैंजा में अपने अंधेपन के बारे में बताया। आप अधिक से अधिक अपने साथियों को इस पोएम के बारे में बताएं, हमारे ये चैनल इसे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी संस्था आपके प्रति समर्पित है और आप फिर बधाई के पात्र हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, डिस्टेंस बनाए रहिए और हाथ धोते रहिए। दैट्स ऑल।